सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र के पत्थलगड़ा प्रखंड मुख्यालय परिसर में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग महिला विकास समिति के द्वारा राखी सेल का इंस्टॉल लगाया गया, जिसका उद्घाटन पत्थलगड़ा बीडीओ से अंचलाधिकारी मोनी कुमारी ने विधिवत फीता काट कर किया। इस अवसर पर बीडीओ को बच्चियों ने राखी भी बांधी। बताते चले कि महिला बाल विकास विभाग एवं विश्व बैंक के सहयोग से झारखंड राज्य के 17 जिलों में ये तेजस्विनी परियोजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य 14 वर्ष से 24 वर्ष की किशोरियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि प्रखंड क्षेत्र के किशोरियों के द्वारा तरह तरह की राखी का निर्माण किया गया, जिसे सेल करने के लिए प्रखंड कार्यालय के परिसर में स्टॉल लगाया गया था, जिस स्टॉल से प्रखंड से अंचल कार्यालय के कई कर्मियों ने राखी की खरीदारी भी की। इस अवसर पर नाजिर, सुरेश मिस्त्री, बड़ा बाबू, बालकृष्ण दांगी, सिंघानी मुखिया, राधिका देवी, पंचायत समिति सदस्या मीना कुमारी, बरवाडी मुखिया संदीप कुमार सुमन, नावाडी के मुखिया पूर्व मुखिया मेघन दांगी, तेजस्विनी के प्रखंड समन्वयक कुमारी पंकज कुमार व कई किशोरियां उपस्थित थे। सिमरिया से प्रमोद राणा की रिपोर्ट। जिला के माध्यम से परियोजना के माध्यम से हम लोगों को सरकार की सारी योजनाओं को पत्थलगड्ढा में करवाना है। उसी के संदर्भ में आज हमारी हरेक पंचायत की जितनी भी किशोरी या बच्चियाँ हैं, उन लोगों के माध्यम से ये हाथ से बना हुआ ये राखी इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। इनको बढ़ावा देने के लिए या इनको रोजगार दिलाने के लिए आज हम लोग इसको प्रखंड में इस परियोजना के तहत हम लोग इसको यहाँ पे आज स्टॉल लगवाएं, ताकि लोग खरीदें और इनका मतलब इनका इनकम बढ़े, इनका रोजगार बढ़े और इनको इनका मनोबल भी बढ़े, ताकि लोग और भी आगे कुछ कार्य कर सकें। योजना महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से झारखंड राज्य के 17 जिलों में चलाई जा रही है। यह परियोजना का उद्देश्य 14 से 24 साल की किशोरियों एवं युवतियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत आज हम लोगों ने आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में राखी का स्टॉल लगाया है। इसके माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण किशोरियों का यह परियोजना दर्शाता है। यह कार्य हमारे इस कार्य में बच्चियाँ जो सीड ग्रांट की मनी आई हुई है उसमें से इन लोगों के द्वारा राखी का स्टॉल लगाया गया। राखी खुद अपने घर में बच्चियों के द्वारा हस्तनिर्मित राखी का निर्माण किया गया और आत्मनिर्भर भारत को एक संदेश दिया गया कि हमें खुद आर्थिक रूप से हम सशक्त बन सकते हैं। और इसमें हमारे बस दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।